तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम इस एपिसोड में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया होता है और हमसे पूछा जाता है कि आप उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस बताइए। उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस मीन्स कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई एंड कॉस थीटा जेड। मीन्स वो लाइन जो है वो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहीं कट करती है, मान लो कभी तीनों को कट करती है, कोई लाइन है जो तीनों एक्सिस को कहीं कट करती है, तो वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, मान लो थीटा एक्स, ऐसे ये थीटा एक्स, तो उसका कॉस निकालेंगे तो वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ विद द एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब वो लाइन ये y माइनस नेगेटिव है ना, ये कहीं पर जाकर y को भी काट देगी, तो y से वो कितना एंगल बना रही है, थीटा y। और सिमिलरली अगर वो z एक्सिस को कहीं काट रही हो, जब z एक्सिस को इधर आपने मान लो प्लस z लिया है, उधर मान लो कहीं माइनस z, मतलब ये एक्सिस कहीं जा रही होगी तो कहीं कट किया हो, तो z एक्सिस को काटा है किस एंगल पर, थीटा जेड एंगल पर, थीटा वाई, थीटा जेड, थीटा एक्स। तो जो कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जेड हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि जो वेक्टर या जो अभी हम लाइन को एक वेक्टर के तौर पे ले रहे हैं, तो अगर वेक्टर कोई है और वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी अगर ये लाइन ही ले लो, तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड एंगल बना रहा है, तो हम कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जेड, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, इनको स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन लिखते हैं। तो उस लाइन को अगर किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो वेक्टर एल, अगर लाइन एल है तो मान लो वो वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, तो उस लाइन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा एल आई। अच्छा, यहाँ पर हम एल ले चुके हैं, मान लो वो लाइन है वेक्टर एल, उस लाइन को कैपिटल वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करो, तो उस लाइन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में लिखा जा सकता है। और कॉस थीटा एक्स आई, कॉस थीटा वाई जे, कॉस थीटा वाई जे और कॉस थीटा जेड के, ऐसे भी आप उस लाइन के यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, या कह लीजिए कि ये लाइन की डायरेक्शन ही बता रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन केवल प्योरली डायरेक्शन बताता है। तो अगर हमको लाइन के बनाए एंगल पता हो एक्स वाई और जेड एक्सिस से, तो हम उस लाइन का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, अर्थात हम लाइन की डायरेक्शन इससे निकाल सकते हैं। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, ये सब हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। अब हम थोड़ा पहले आप इसके लिए क्या निकालते थे, पहले आप लाइन वेक्टर निकाल लें, लाइन का एक वेक्टर निकाल लें, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, तब आप डिटरमाइन कर रहे थे कि एल एम एन, चूँकि जब यूनिट वेक्टर निकाल लेते थे तो उसको, तो यूनिट वेक्टर को चूँकि एल एम एन के तौर पर लिखा जाता था, तो आप तब डायरेक्शन कोसाइंस निकालते थे। अब हम आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का सीधा तरीका बताते हैं, ठीक है। देखो, हमको कोई दिया हुआ है लाइन, जैसे
x माइनस x1 अपॉन बी वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू और z माइनस जेड वन अपॉन बी थ्री। मान लो हमको ऐसी कोई लाइन का इक्वेशन, हमको ऐसी किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। एग्जांपल ले लो x माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। मान लो हमने लिख दिया, मान लो ऐसा कोई लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। लाइन के इक्वेशन देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो वन टू थ्री पॉइंट वन टू थ्री से होकर पास कर रहा है लाइन, और लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है टू फाइव एंड फोर। मीन्स अगर लाइन की डायरेक्शन कोई आपसे पूछे तो लाइन की एक डायरेक्शनल वेक्टर हो जाएगा आपका ये, जो कि डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बना है। तो यानी लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपसे कोई कह दे कि इस लाइन की सच में डायरेक्शन बताओ, तो आप उसको उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे ऐसे, तो ये लाइन की आपकी एक्चुअल डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो हम आपको बता चुके हैं। चलो ठीक है, इसको अभी हम मिटा देते हैं। तो मान लो कि ये हमको लाइन एक दी हुई है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब हमसे एल एम एंड एन पूछा जा रहा है, या कह लीजिए हमसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई एंड कॉस थीटा जेड। हमसे पूछा गया है कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। ये थीटा एक्स इस लाइन का एक्स डायरेक्शन से बना एंगल, थीटा वाई इस लाइन का वाई डायरेक्शन से बना एंगल, और थीटा जेड इस लाइन का जेड डायरेक्शन से बना एंगल। यही तो है। इसको निकालने का आपके पास जनरल तरीका क्या है? जनरल तरीका है कि चूंकि हमको ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और नीचे लाइन के मतलब, तो इस लाइन के इक्वेशन से हम देखते हैं कि लाइन के डायरेक्शन रेशियो थ्री एट टू फाइव और फोर हैं। इसका मतलब लाइन का जो डायरेक्शनल जो वेक्टर है, लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर, जनरल डायरेक्शनल वेक्टर कह लो, वो है आपका, मान लो उसके थोड़ी देर के लिए नाम उसका आर मान लो आर। तो ये आपका दिया हुआ है टू आई प्लस फाइव जे प्लस फोर के, यानी लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर है। लाइन इसके पैरालेल होगी या इसके अपोजिट, मतलब पैरालेल होगी, यानी लाइन की जनरल डायरेक्शन ये है। लाइन इस वेक्टर के अलॉन्ग होगी या इसके अपोजिट होगी। तो जो लाइन का जो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यही वेक्टर है जो डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बना है। और अगर आपको एक्चुअल डायरेक्शन देखनी थी तो उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। इट इज़ नथिंग बट दिस, मतलब इसी का यूनिट वेक्टर, यानी टू आई प्लस फाइव जे प्लस फोर के डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहें तो टू आई प्लस फाइव जे प्लस फोर के, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और ये 16, तो 41 और ये रूट 45। तो ये आ गया आपका लाइन का एक्चुअल डायरेक्शन, जो कि एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर जो लाइन की है उसको आप कॉस थीटा एक्स आई, हम जानते हैं ना किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप डायरेक्शन कोसाइंस में लिख सकते हैं ऐसे करके, या एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के। तो यहाँ से आप कॉस थीटा एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट 45, कॉस थीटा वाई इक्वल टू फाइव अपॉन रूट 45 और कॉस थीटा जेड इक्वल टू फोर बाई रूट 45। ऐसे आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, और उससे आप फिर बाद में फाइनली एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके मतलब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का पुराना तरीका, कि किसी वेक्टर का या किसी लाइन का अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो उस लाइन की डायरेक्शन निकालो,
या उस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन निकालने के लिए मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालो, जो उसकी जनरल डायरेक्शन लाइन है उसको उसका यूनिट वेक्टर निकालो। आपने ध्यान दिया कि इसमें 1, 2, 3 ये जो जिस पॉइंट से वो जा रही थी उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें तो ज़रूरत थी उसकी डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है कि वो डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट कुछ ना कुछ रिलेटेड है। सॉरी, तो 1, 2, 3 जिस पॉइंट से वो जा रही थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें मतलब पड़ा केवल डायरेक्शन रेशियोज से हमें काम पड़ा, और हमने धीरे धीरे करके उसके इसी से हमने उसकी डायरेक्शन बनाई, और फिर हमने उसका यूनिट वेक्टर बनाया, और उसी से हमने कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जेड और एल एम एन निकाल के हमने एंगल निकाल डाले। ये था तरीका पुराने वाला। अगर हमको हम भूल जाएं कि डायरेक्शन मतलब ये यूनिट वेक्टर निकालना निकालना, वैसे आप भूलोगे नहीं, एक और तरीका भी है। क्या तरीका है? थीटा एक्स वास्तव में है क्या? थीटा एक्स है लाइन की लाइन, यानी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का बना एंगल, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। थीटा एक्स इज एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ठीक। यानी कि और लाइन का इक्वेशन हमको पता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर हमको मिल जाए तो हम थीटा एक्स निकाल देंगे। तो सिंपल सुनो, यहाँ से आपने लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तो आपने निकाल दिया, केवल डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करके आपने निकाल दिया। अगर आपको यूनिट वगैरह वेक्टर नहीं निकालने हैं तो एक दूसरा तरीका भी है। एक्स एक्सिस आखिर है क्या? एक्स एक्सिस इज नथिंग बट आई कैप से रिप्रेजेंट होता है उसका डायरेक्शन। तो आई कैप को आप केवल लिख सकते हो आई कैप प्लस 0j और प्लस 0k, ऐसे लिख सकते हो। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन मतलब का जो वेक्टर हुआ वो ये है। सिमिलरली वाई एक्सिस को आप कैसे लिखते हो? वाई एक्सिस को आप लिखते हो जे कैप। जे कैप को आपको आप लिख सकते हो 0i प्लस जे 1j प्लस 0k। और सिमिलरली आप जेड एक्सिस को आप लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस के ओनली, ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस के वेक्टर फॉर्म है, इनको भी आप ध्यान में रखिए। कुछ नहीं है, आई एक्स एक्सिस आई कैप लिखते हैं बाकी जीरो कर दिया, वाई एक्सिस जे कैप लिखते हैं बाकी जीरो कर दिया, जेड एक्सिस के कैप लिखते हैं बाकी जीरो कर दिया। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपने बना लिया। थीटा एक्स क्या था? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, यानी इस वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन वेक्टर, यानी इस वेक्टर जो कि रेशियोज से मिलकर बना है उनके बीच का एंगल। तो बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल आपने थीटा एक्स माना है, और इसी प्रकार वाई एक्सिस से मान लेते हैं कि आपने आप लाइन बना रही है थीटा वाई, और जेड एक्सिस से बना रही है थीटा जेड। तो कॉस थीटा जेड क्या होता है? दोनों वेक्टर यानी ये वेक्टर 2i प्लस 5j जो लाइन का डायरेक्शन है, डायरेक्शनल वेक्टर है, ना कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर है, और एक्स एक्सिस का डायरेक्ट मतलब वेक्टर तो वो आई कैप है डॉट आई, बाकी तो मतलब पूरा लिख लो 0j प्लस 0k। ये एक्स एक्सिस से आपको एंगल निकालना है ना। थीटा एक्स इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस मीन्स द थीटा एक्स इज द एंगल बिटवीन दिस डायरेक्शन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस वेक्टर। एक्स एक्सिस वेक्टर इतना है, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का इतना है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो वही हमने दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा, इसका मॉड जानते ना, इसका मॉड और इंटू इसका मॉड, इसका मॉड 2² प्लस 5² प्लस 4² और इसका मॉड अंडर रूट 1² 0
और जीरो, आई का मॉड तो एक ही होता है, वो तो आप जानते ही हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉट तो केवल आई आई वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आया 2 × 1 ओनली 2, ये जे जे 5 × 0 + 0 और 4 × 0 + 0 अपॉन 45 मीन्स की 2/√45 आ गया। तो थीटा एक्स आ गया आपका, ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। और अगर आपसे कोई पूछे एंगल बताओ तो कॉस इनवर्स 2/√45, ये आ गया एंगल वही कि लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, और कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन कोसाइन है उस लाइन की जो कि एक्स एक्सिस से है। सिमिलरली आप कॉस थीटा वाई निकालिए, तो कॉस थीटा वाई तो मतलब यही वेक्टर जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, जो डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बना है, जो लाइन का एक तरह से डायरेक्शन की ओर वेक्टर बताता है, डॉट वाई एक्सिस का 0y 01j और +0k, ये हुआ वाई एक्सिस का वेक्टर अपॉन वही √45 इधर आएगा, इसका तो 1 रहेगा, तो मेनली आ गया ये 1 × 5, बाकी ये 2 0 0 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, केवल जे जे वाला बचेगा यानी 5/√45। तो इससे आ गया आपका ये डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा वाई, इसको स्मॉल m लिख लो, और इसी से आप थीटा वाई भी निकाल सकते हैं। थीटा वाई का आपका हो गया 5/√45। अब आपके l और m पता हो गए हैं, तो चाहो तो आप अभी L² + M² + N² = 1 लगा के यहाँ से n निकाल लो, l m पता हो गए ना, n निकाल लो और n विल बी नथिंग बस cos थीटा जेड, तो यहाँ से आप एंगल थीटा जेड भी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आप cos थीटा जेड, cos थीटा जेड क्या है, वही जेड इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का इक्वेशन है दिस, और जो वेक्टर है और जो लाइन का वेक्टर है डायरेक्शन का वो है दिस। तो सिमिलरली आपका यहाँ पर सिर्फ 1k आएगा जब आप जेड ये रखेंगे जेड एक्सिस का, और ये 0 हो जाएंगे, तो ओनली आएगा आपका 4/√45 मीन्स थीटा जेड इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/√45। और ये जो कॉस थीटा ये जेड है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है और इसको बोलते हैं एन। तो आपको तीनों डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन मीन्स कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई और कॉस थीटा जेड पता हो गई हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी पता हो गए हैं। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के वेक्टर फॉर्म हैं। एक्स एक्सिस इज नथिंग बट आई, तो बाकी कंपोनेंट जीरो कर दो, तो मतलब वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर आपको कोई लाइन दी है तो लाइन के जो नीचे जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये एक्चुअली लाइन की डायरेक्शन में ही होते हैं। तो लाइन का एक जनरल डायरेक्शन वेक्टर ये आता है, और एक्चुअल डायरेक्शन इसका कैप आएगा, यूनिट वेक्टर। तो आपने देखा कि किस तरह हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस रेशियोज से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, और उनके एंगल भी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के वेक्टर फॉर्म पता है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन एनी लाइन एंड एक्सिस। ओके, तो ये था आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्सिस, जो हमारी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।